दोस्तों आज की वीडियो का फोकस होगा इंडिया में स्टेट्स या दो अलग अलग टेरिटरीज जो इंडिया का ही हिस्सा हैं उनके बीच का रिवर या किसी वाटर बॉडी को लेकर होता आ रहा डिस्प्यूट। भारत में 25 मेजर रिवर बेसिन्स हैं और मोस्टली रिवर्स कई स्टेट से होकर गुजरती हैं। मध्य प्रदेश से नर्मदा का उद्गम होता है पर वो अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ऐसे कई इंस्टेंसेज हैं जहां नदियां स्टेट बाउंड्रीज भी डिसाइड करती हैं। रिवर बेसिन्स शेयर्ड रिसोर्सेज हैं तो इस पानी के प्रिजर्वेशन, सामान बंटवारे और सस्टेनेबल यूज के लिए स्टेट्स के बीच कोऑर्डिनेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट का एडिक्वेट इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। गौरतलब है दोस्तों कि इंडिया के फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में इंटर स्टेट डिस्प्यूट यूनियन गवर्नमेंट के किसी भी फेडरल सॉल्यूशन की दो लेवल्स पर मांग करते हैं। पहला जब स्टेट्स इन्वॉल्व्ड हैं और दूसरा जब सेंटर और स्टेट्स दोनों इन्वॉल्व्ड हैं। ये स्ट्रक्चर कई इश्यूज और एम्बिग्यूटीज पैदा करता है। इंडिया जब से रिपब्लिक बना है इंटरस्टेट रिवर्स कंटेस्टेशंस की जगह बन गई है। इस लड़ाई में प्रॉपर्टी राइट्स के कॉन्फ्लिक्टिंग परसेप्शंस, फूड सिक्योरिटी के फ्लॉड इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की कमी एक्सेट्रा ने फ्यूल का काम किया है। कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन में हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल और पॉलिटिकल कारणों से डिलेज के कारण अब भी हैं। और तो और पिछले कुछ सालों में पानी की कमी, अर्बन और रूरल एरियाज में फ्रेश वाटर की मांग में बढ़ोतरी और पॉलिटिकल डायनेमिक्स में मतभेद ने इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है। इस वीडियो के थ्रू आज हम इन्हीं डिस्प्यूट्स को समझेंगे और इनसे रिलेटेड एक्ट्स, लॉज और ट्रिब्यूनल्स की चर्चा करेंगे। पर उस सबसे पहले आइए हम जानते हैं भारत के कुछ मेजर वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों इंडियन पेनिनसुला एक वास्ट एरिया है। यहाँ सैकड़ों नदियां हैं और हजारों वाटर बॉडीज हैं जो जमीन पर कई दूर तक फैली हुई हैं। धीरे धीरे ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के लिए बॉर्डर्स बनाई और इन नेचुरल रिसोर्सेज को इन बॉर्डर्स का शिकार बना दिया। आज भारत में कई सारे मेजर वाटर डिस्प्यूट्स हैं जिनमें से 9 मेजर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स यानी किसी स्पेसिफिक डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट पर डिसीजन देने वाली कोर्ट्स बनाई गई हैं। इन 9 में से हम कुछ डिस्प्यूट्स इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो इसे शुरू करते हैं कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के वाटर डिस्प्यूट से। दोस्तों कृष्णा रिवर को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन्वॉल्व हैं, जबकि गोदावरी में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इन्वॉल्व हैं। इसके डिस्प्यूट्स कई रीजन्स में फैले हुए हैं जो इन सभी स्टेट्स की बॉर्डर पर रेस किए गए हैं। लेटेस्ट डिस्प्यूट्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में हैं क्योंकि दोनों स्टेट्स ने वाटर बोर्ड्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की हामी के बिना कई प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कई हिस्से इन्वॉल्व हो जाते हैं। केवल ISWD एक्ट ही नहीं बल्कि 2014 का द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी नेचुरली इन्वॉल्व है। इस एक्ट में मैंडेट है कि दोनों स्टेट किसी वाटर डिस्प्यूट को लेकर एक सेंट्रल एपेक्स काउंसिल का हिस्सा होंगे जो दोनों स्टेट्स में रिवर वाटर बोर्ड्स को सुपरवाइज करेगा। कृष्णा 4 स्टेट से होकर गुजरने वाली एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इन स्टेट्स में अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ कृष्णा 33% वास्ट लैंड कवर करती है और एक बड़ा बेसिन बनाती है। इतने रिच रिसोर्सेज के लिए डिस्प्यूट्स होते आ रहे हैं। गोदावरी डिस्प्यूट भी इन्हीं कारणों से होता है। दोस्तों कृष्णा का डिस्प्यूट करीब 6 दशक पुराना था पर गोदावरी के वाटर शेयरिंग में दिक्कतें तब बढ़ गईं जब 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। इस दौरान आंध्र प्रदेश का पोलावरम डैम बोन ऑफ कंटेंशन बन गया। तेलंगाना को डर था कि भले ही डैम आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों को इरिगेट करेगा पर तेलंगाना की खमाम डिस्ट्रिक्ट के बड़े हिस्से को डुबा देगा। उड़ीसा ने अपनी कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। दोस्तों इसी तरह कावेरी को लेकर केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, नर्मदा को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, महादाई और महानंदी, रवि और ब्यास को लेकर कई स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं। इन डिस्प्यूट्स में एक क्यूरियस केस है रवि और ब्यास का क्योंकि इन दोनों नदियों में इंटर स्टेट डिस्प्यूट के साथ साथ इंटरनेशनल इशू भी है क्योंकि दोनों नदी भारत में निकलती हैं और पाकिस्तान की इंडस रिवर में जाकर मिलती हैं। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1960 में साइंड इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक दोनों नदियों को इंडिया कंट्रोल करेगा तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट इस केस में ऑलमोस्ट नल है। स्टेट में ये दोनों नदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान स्टेट्स के बीच प्रॉब्लम्स का रीज़न है। ये कॉन्फ्लिक्ट 2004 में ग्रेव हो गया जब पंजाब ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 लागू किया। इस एक्ट से रवि और ब्यास के वाटर शेयरिंग से रिलेटेड सारे एग्रीमेंट पंजाब ने टर्मिनेट कर दिए और यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल किया
कि इस तरह के एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं। ये मैटर अब भी सब जुडाइस है, पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ओपिनियन दिया था कि ऐसा एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है। दोस्तों, इन डिस्प्यूट्स को लेकर पिछले 70 सालों में कई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए गए हैं। इसी प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को समझेंगे और देखेंगे कि ये क्यों बनाया गया था और क्या इस एक्ट से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकते हैं। दोस्तों, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 या फिर कहें IRWD एक्ट सबसे पहले 28 अगस्त 1956 में इनैक्ट किया गया था। ये उसी शाम लागू हुआ था जिस दिन लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसका मकसद था कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो रिवर्स और रिवर वैली को लेकर पैदा होते हैं रिजॉल्व किए जाएं। ये एक्ट 2002 और 2019 में अमेंड किया गया है। ये एक्ट तब लागू किया जा सकता है जब मान लीजिए कोई रिवर एक से ज़्यादा स्टेट से होकर गुजरती है और इनमें से किसी भी स्टेट के एक्शन से दूसरे स्टेट को इम्पैक्ट होता है। इस एक्ट के लीगल एप्लीकेशन को दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स में देखा जा सकता है। पहला, जब डाउनस्ट्रीम स्टेट के एक्शंस किसी अपस्ट्रीम स्टेट के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हों। ये केवल एक केस में होता है, जब डाउनस्ट्रीम स्टेट यानी सरल भाषा में कहें तो वो स्टेट जहां नदी बाद में पहुंचती है अपस्ट्रीम स्टेट के साथ शेयर्ड बॉर्डर या बॉर्डर के पास डैम या बराज बना रहा हो। इससे अपस्ट्रीम स्टेट की टेरिटरी सबमर्ज यानी डूब जाएंगी। इसके अलावा कोई ऐसा एक्शन नहीं है जो डाउनस्ट्रीम स्टेट को अपस्ट्रीम स्टेट को अफेक्ट करने की पावर देता है। दोस्तों, मान लीजिए कि कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटका से होते हुए आंध्र प्रदेश में जाकर बे ऑफ बंगाल को मिलती है। इस केस में कर्नाटका के लिए केवल महाराष्ट्र अपस्ट्रीम स्टेट है, पर आंध्र प्रदेश के लिए कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं। इस केस में आंध्र प्रदेश बाकी के दोनों स्टेट्स के लिए डाउनस्ट्रीम स्टेट है। दूसरा इंडिपेंडेंट पार्ट इस एक्ट का ये है कि जब अपस्ट्रीम स्टेट किसी डाउनस्ट्रीम स्टेट के इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, ये एक से ज़्यादा तरीकों से हो सकता है, क्योंकि जिस स्टेट से रिवर ऑरिजिनेट होती है उस स्टेट के पास कई प्रिविलेजेस होते हैं। दोस्तों, अपस्ट्रीम स्टेट रिवर वाटर को इरीगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल पर्पजेज, रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, रिवर बेसिन के बाहर मौजूद सूखे इलाकों में वाटर ट्रांसफर एक्सेट्रा स्टेप्स ले सकता है। ऐसे में वाटर क्वालिटी डिग्रेड होती है और डाउनस्ट्रीम स्टेट को पानी तो मिलता है पर इसका मोस्टली कोई यूज़ नहीं रह जाता। ये सभी को लेकर ISWD एक्ट के अंडर लॉ सूट फाइल किए जा सकते हैं। अब हम एक बार वो एक्ट्स और आर्टिकल्स भी देख लेते हैं जिनसे वाटर रिलेटेड इश्यूज़ रिजॉल्व किए जा सकते हैं। दोस्तों, वाटर डिस्प्यूट्स रिलेटेड मैटर पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 262 एप्लीकेबल है, जबकि 262(1) कहता है कि पार्लियामेंट के पास डिस्प्यूट्स में दखल देने की पावर है। वहीं 262(2) में बताया गया है कि क्लॉज 1 में मेंशनड डिस्प्यूट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेगी। दोस्तों, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए 4 एक्ट्स हैं। इनमें से 3 एंट्री 56 के तहत यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं, जो द रिवर बोर्ड एक्ट 1956, बेतवा रिवर बोर्ड एक्ट 1976 एंड ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक्ट 1980 हैं। ISWD एक्ट 1956 आर्टिकल 262 के अंडर स्टेट लिस्ट का हिस्सा है। दोस्तों, यूनियन लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल मैटर्स और स्टेट लिस्ट वो है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट लिस्ट 2 यानी स्टेट लिस्ट की एंट्री 17 के मामले होते हैं, लेकिन ये एंट्री दोस्तों लिस्ट 1 में की गई एंट्री 56 के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में होती है। यहाँ से लॉस का अस्पष्ट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इंडिया में प्रोलॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स को देखना पड़ेगा। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब 571 रियासतें थीं जिन्हें स्टेट्स बनाया गया, और इस दौरान 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एम्बिगिटीज सामने आई जो अब तक सिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। इनमें फेडरल ज्यूरिसडिक्शनल, हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल और इंस्टीट्यूशनल एम्बिगिटीज शामिल हैं। ये शामिल एम्बिगिटीज इंटर रिलेटेड हैं। ISWDs पर इन अस्पष्ट बातों ने कई बातों को इम्पैक्ट किया है। इंडिपेंडेंस के पहले दोस्तों ब्रिटिश इंडिया और कई सेमी सोवन प्रिंसली स्टेट्स थे। गवर्नमेंट का पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर हाईली सेंट्रलाइज था, जिसमें स्टेट्स का कोई से नहीं होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिसीजन फाइनली और बाइंडिंग होता था। इंडिपेंडेंट इंडिया में दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर सेंटर और स्टेट के बीच में बांट दिए गए। मोटिव ये था कि वाटर यूटिलाइजेशन को ऑप्टिमम किया जाए,
और स्टेट के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 दरअसल स्टेट के अंदर पानी के यूज और इंटरस्टेट वाटर को रेगुलेट करने को डिस्टिंग्विश करता है। यानी कोई नदी दो स्टेट से होकर गुजरती है और डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, पर उसी नदी का हिस्सा को किसी एक स्टेट में है उस पर स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा। शेड्यूल 7 में होने से यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है कि यूनियन लिस्ट एंट्री 56 लिस्ट 1 के अंडर इंटरस्टेट रिवर्स को रेगुलेट करने के लिए लॉज और मैकेनिज्म्स फॉर्मुलेट कर सके, जबकि वाटर सप्लाई, इरीगेशन, कैनाल्स, ड्रेनेज और इम्बार्कमेंट से लेकर वाटर स्टोरेज और वाटर पावर पर स्टेट्स की अटोनमी है। ये स्टेट लिस्ट एंट्री 17 ऑफ लिस्ट 2 के अंडर होता है, जो एंट्री 56 लिस्ट 1 के प्रोविजन से मेल खानी चाहिए। इससे फेडरल ज्यूरिसडिक्शंस एम्बिगिटी क्रिएट होती हैं। इसके अलावा लगातार चेंज होती बॉर्डर्स एग्जिस्टिंग ज्यूरिसडिक्शनल और रिसोर्स शेयरिंग एग्रीमेंट्स को चेंज करती हैं, जिससे इंटर स्टेट पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है और वाटर गवर्नेंस पर हिस्टोरिको ज्योग्राफिकल एम्बिगिटी पैदा होती हैं। इंस्टीट्यूशनल एम्बिगिटी तब पैदा होती हैं जब ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है या ट्रिब्यूनल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में वाटर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज तक इंडिया में 9 ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं, जो अक्रॉस इंडिया कई नदियों के पानी को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन और सस्टेनेबल यूज को डिसाइड करती हैं। इन ट्रिब्यूनल्स को वाटर डिस्प्यूट के मैटर में एपेक्स बॉडी समझा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनली वाटर डिस्प्यूट से एपेक्स कोर्ट को एक्सक्लूड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 262 के अंडर एपेक्स कोर्ट वाटर डिस्प्यूट्स पर कुछ नहीं कह सकती हैं। जैसा सिस्टम आज है, ट्रिब्यूनल्स को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि इनका काम करना स्ट्रक्चर्ड और टाइम बाउंड होता है। ट्रिब्यूनल्स को एंगेज करने से मीडिएशन और कंसिलिएशन जैसे रिसोर्सेज वायबल ऑप्शंस बनते रहते हैं। ये साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बोल सकता और डिस्प्यूट सीधे एपेक्स कोर्ट के सामने जाते तो कॉन्फ्लिक्ट्स के एडवर्सरियल आउटकम्स आ सकते थे। इसके साथ ही साथ एपेक्स कोर्ट को अल्टीमेट ज्यूरिस्ट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा। दोस्तों, जुडिशियल लीगल एडजुडिकेशन पर लिटरेचर की कमी नहीं है। ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमें पढ़ने को मिल जाता है, पर हम पॉलिटिकल नेगोशिएशन और मीडिएशन पर कम फोकस करते हैं। ये इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स और स्टेट्स एंड सेंटर के बीच कंसेंसस बिल्डिंग का काम कर सकता है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व पार्टीज पॉलिटिकली एक्टिव यूनिट्स होती हैं, जो कॉम्पिटेटिव डेमोक्रेटिक पॉलिटी के एम्बिट में आती हैं। इसलिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर डिस्कशन का डोमेन टेक्नोक्रेट्स को क्या करना चाहिए से डेमोक्रेटिक्स क्या कर सकते हैं पर शिफ्ट होना चाहिए। दूसरी, वाटर डिस्प्यूट कई सालों से लगातार चले आ रहे हैं और इनको लेकर जो भी लॉज और जो भी ट्रिब्यूनल्स बिठाए गए हैं वो इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में सक्षम साबित नहीं हुए हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन से कदम हो सकते हैं जो गवर्नमेंट उठा सकती है इन डिस्प्यूट को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।